तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स इन ओडिशा के बारे में। अगर आप अपने बच्चे के लिए ओडिशा में एक बोर्डिंग स्कूल की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे आपके बच्चे को मिलेगी बेस्ट फैकल्टी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी फैसिलिटीज। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपके रिलेशन में कोई है जो ओडिशा में एक बोर्डिंग स्कूल की तलाश में, तो उनको ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स इन ओडिशा पे। सबसे पहले आता है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। दिस स्कूल इज इन हमीरपुर सेक्टर 19। ये एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है और ICSE बोर्ड एफिलेटेड है। गर्ल्स स्कूल है, फर्स्ट से लेकर टेंथ तक की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरी, लैब्स, आउटडोर स्पोर्ट्स एंड मेनी मोर आर देयर। फिर आता है सेवन हिल्स रेजिडेंशियल स्कूल। दिस स्कूल इज इन फर्दियापली सबलपुर। इट्स अ प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल, ये भी इंग्लिश मीडियम है और CBSE बोर्ड एफिलेटेड है। कोएड है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स और नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरी, लैब्स, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स, हॉस्टल एंड मेनी मोर आर देयर। नेक्स्ट इज डून इंटरनेशनल स्कूल। दिस स्कूल इज नियर एम्स सिजुआ भुवनेश्वर। ये भी एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है और CBSE बोर्ड एफिलेटेड है। कोएड है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स और नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स, हॉस्टल एंड मेनी मोर आर देयर। नेक्स्ट इज ODM पब्लिक स्कूल। दिस स्कूल इज इन शिशु विहार पटिया भुवनेश्वर। ये भी एक प्राइवेट कोएड बोर्डिंग स्कूल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, इंग्लिश मीडियम है और CBSE बोर्ड एफिलेटेड है। नर्सरी, LKG, UKG से लेकर 12th तक की क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। 1,89,000 रहेगी आपकी एनुअल फीस। पर सारी फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, जिम, साइंस लैब, स्विमिंग पूल एंड मेनी मोर आर देयर। नेक्स्ट इज ODM ग्लोबल स्कूल। दिस स्कूल इज इन इरू वैली, जगन्नाथ टेम्पल रोड, भुवनेश्वर। ये भी एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है और CBSE बोर्ड एफिलेटेड है। कोविड है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स और फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज जैसे हर स्कूल में होती है, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, जिम, साइंस लैब, स्विमिंग पूल, ड्रामा, कराटे जैसी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज स्टीवर्ट स्कूल। दिस स्कूल इज इन मिशन रोड, बुक्सी बाजार, कोटैक। इट्स अ प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम है और CBSE बोर्ड एफिलेटेड है। कोविड है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स और प्री नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। आपकी एडमिशन फीस रहेगी सिर्फ 500 रुपए। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड मेनी मोर आर देयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंट जॉन मैरी वियाने इंग्लिश मीडियम स्कूल। दिस स्कूल इज इन रांची रोड, सुदरगढ़, कसुमटोली, कुतरा। इट्स अ प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल, ये भी इंग्लिश मीडियम है और ICSE बोर्ड एफिलेटेड है। कोविड है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स और नर्सरी से लेकर 10th तक की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज जैसे साइंस लैब, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट एंड मेनी मोर आर देयर। तो ये थे टॉप बोर्डिंग स्कूल्स इन ओडिशा। अगर आप यहाँ के रिलेशन में कोई भी अपने बच्चे के लिए टॉप बोर्डिंग स्कूल की तलाश में है तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा एंड सारी लिस्ट पे जरूर जाइएगा। ये सारी लिस्ट रैंक वाइज नहीं है, तो आप कोई भी स्कूल चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एंड योर चिल्ड्रंस बेस्ट फिट। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको सारा फी स्ट्रक्चर, एडमिशन एंड डेट्स सब पता चल जाएंगे। एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो।